मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार अपने पूरे चरम पर है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं जारी है। वहीं आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच और टिमरनी में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि तोमर के बेटे के वीडियो पर पीएम मोदी ने कार्रवाई क्यों नहीं की है, सीबीआई, आईडी, इनकम टैक्स क्यों नहीं लगाए गए हैं। नीमच के जावद में राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार आएगी। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार चल रही है, महाकाल कॉरिडोर में चोरी की गई, व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, एमबीबीएस सीट बिकने में कोई इंक्वायरी नहीं की गई है, बीजेपी की सरकारें अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती हैं। इसलिए पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार देने वाले छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को खत्म कर दिया है। मैंने बेरोजगारी की बात की, भाइयों और बहनों, रोजगार अरबपति नहीं देते हैं। रोजगार छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले हमारे किसान, ये लोग रोजगार देते हैं। और बीजेपी की सरकारों में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों पर आक्रमण होता है। बीजेपी ने आपसे कहा कि हम काले धन को मिटा देंगे, नोटबंदी कर दी। यहां पे नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? एक आदमी हाथ उठा के कह सकता है हां, नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जो की उससे मुझे फायदा हुआ? आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। नोटबंदी का फायदा हिंदुस्तान के अरबपतियों को हुआ। किसको? अडानी को। अडानी को हुआ भैया। अडानी देश के सारे एयरपोर्ट ले गया, पोर्ट्स ले गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ले गया। अडानी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए थे। वो अच्छी बात है कि किसान खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमें यह बिल नहीं चाहिए, बिल को वापस लेना पड़ा। मगर सरकार अदानी जी जैसे लोगों के लिए चलाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जाती।